हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा पर। उम्मीद है कि आंसर की आप लोगों ने अब तक मैच करा ली होगी और आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। तो अब बात आती है कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, मतलब अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है तो आप लोग अपनी तैयारी फिर से फिजिकल के लिए तैयारी जारी रख सकते हैं। तो इस बार का कट ऑफ जो है पिछली बार से काफ़ी कम जाएगा, तो उसके कुछ मुख्य कारण भी हैं, तो आइए जान लेते हैं। इस बार वैकेंसी पिछली बार के मुकाबले करीब 8,000 ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि पेपर का जो लेवल था इस बार पिछली बार से काफ़ी अच्छा था। इस पेपर में वो बच्चे भी शामिल हुए हैं जो पिछली बार सेलेक्ट हो चुके हैं, तो जाहिर है कि वो इसमें ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। और जो दोनों पेपर हुए हैं, मतलब इसके पहले वाला पेपर और बाद वाला पेपर, दोनों के बीच में गैप बहुत ही कम है। इससे जो नए बच्चे हैं वो इसमें ज़्यादातर नहीं आ पाए हैं, पिछले वाले ही ज़्यादा हैं। अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो ये बात सभी को पता है कि वो इसमें ज्वाइनिंग नहीं लेंगे और पिछली वाली में ही जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो इसका कट ऑफ है, अगर आपके जनरल के 75 क्वेश्चन से ऊपर आ रहे हैं, 75+ क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो आपको बिना कुछ सोचे फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिजिकल की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपके पास टाइम नहीं मिलेगा कि आप उसके बाद से अपनी तैयारी शुरू करें। रही बात ओबीसी की, तो ओबीसी और जनरल की कट ऑफ लगभग बराबर रहती है, 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा का अंतर नहीं रहता है। तो आप उस हिसाब से एसटी ओबीसी आप अपना इसके अनुसार से समझ सकते हैं। अब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ठीक है, मतलब मैं जो बता रहा हूँ हो सकता है इतनी ना जाए, इससे ज़्यादा जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच कर बैठे रहे कि मेरा नंबर कम है और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ तो 200+ गया था, इस बार भी उतना ही जाएगा, तो अगर आप ये सोच के बैठेंगे तब तो आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए, आपका अगर 70+ भी आ रहा है तो मेरे हिसाब से आपको अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो रिजल्ट आने के बाद अगर आपका नंबर आ जाता है या आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप उस पर ध्यान दीजिए और अपनी आगे की तैयारी करते रहिए। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।